ठीक है, तो हम इसमें पहले चैप्टर को ही पढ़ रहे थे, वेव मोशन यानी कि तरंग गति को। ठीक है, अभी तक हमने मुक्त अवमंदित तथा प्रणोदित दोलन तक पढ़ा था। तो प्रणोदित दोलन यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशन कब होता है, तो जब कोई मुक्त रूप से दोलन करता हुआ अपने स्वाभाविक आवृत्ति के पिंड पर कोई बाह्य बल अपना अपना दोलन कराता है। ठीक है, तो उसी समय हम लोग एक टर्म आता है अनुनाद, क्या बोलते हैं इसको, अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। ठीक है, क्या होता है अनुनाद, क्या होता है अनुनाद, तो यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए या पूर्ण गुणज हो जाए, पूर्ण गुणज मतलब होल इंटीग्रल। ठीक है, पूर्ण गुणज हो जाए तब वस्तु की आयाम में अधिक वृद्धि हो जाता है, जिसे अनुनाद कहते हैं। ठीक है, ये समझे। ठीक है, तो यानी कि कोई भी पिंड यदि अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से दोलन कर रहा है, उस पे यदि कोई बाह्य बल एकदम सेम उतना ही आवृत्ति लगाता है या उसके पूर्ण गुणज यानी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है, 1 गुना 2 गुना या 3 गुना यदि आवृत्ति लगा देता है, तो दोनों के आयाम मिल करके बहुत ही ज्यादा बड़े आयाम का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अनुनाद। ठीक है, रेजोनेंस, जैसे एक वेव ऐसे आ रहा है, ठीक है, दूसरा वेव इसी में ऐसे मिल गया, दोनों मिलने के बाद यदि हम लोग को एक ऐसा आयाम वाला एक तरंग देते हैं, तो जिसे हम लोग बोलेंगे अनुनाद। इसकी देखिए आयाम कितना है, इतना ही था, है ना, लेकिन इसका आयाम कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, वायु में असातीत रूप से वृद्धि हो रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस। ये कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल में इसके देख लेते हैं। ठीक है, पहला अनुनादक, ठीक है, रेजोनेटर। रेजोनेटर क्या होता है, तो एक संख्या बीन जैसा आपको एक ऐसा मटेरियल दिखाई देगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटर। इसके यहां से फूंक मारते हैं, ठीक है, इधर से, और इधर से आपको बहुत ही लाउडली साउंड दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, तो इसके अंदर जो हवा रहता है, रेजोनेटर के अंदर हवा, वो अपने स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन कर रहा होता है। जब बाहर से आप फूंक मार करके उसके अंदर आप हवा प्रवेश कराते हैं, तो उसकी यदि आवृत्ति अंदर के आवृत्ति से मिल जाती है, तो हमें एक बहुत ही ज्यादा तेज आवाज सुनाई देता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुनादक, रेजोनेटर। ठीक है, दूसरा ये तो अनुनादक हो गया, दूसरा क्या है, यांत्रिक अनुनाद। यांत्रिक अनुनाद कहाँ आपको देखने को मिलता है, मैकेनिकल रेजोनेंस आपको पुल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पुल वगैरह में जब कोई भी सैनिक परेड करके गुजरता है, तो उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, क्यों रोका जाता है, इसलिए रोका जाता है क्योंकि कहा जाता है यदि आपको जब परेड करते हैं, मार्च करते हैं, तो यदि आपके कदम ताल का यदि वाइब्रेशन
सेम उतना ही आवृत्ति का हो गया जितना कुल का आवृत्ति है, तो उस समय कुल की आवृत्ति का आयाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे पुल टूट जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक अनुनाद। ठीक है, दूसरा साउंड ध्वनि अनुनाद कौन सा है, ध्वनि अनुनाद साउंड रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, साउंड रेजोनेंस में जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क कैसे होता है, ट्यूनिंग फॉर्क का एक सिरा, इसको किसी यदि पैड से आप यदि उस पर मार करके उसको फिर रोकते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत ही तेज से वाइब्रेट होने लगता है, ये वाला एक उसका हैंड। अब इसको यदि किसी मोनोमीटर में लेके जाते हैं या किसी पतले ऐसे आर्गन पाइप में लेके जाते हैं, इस आर्गन पाइप के अंदर भी हवा भरी रहती है। ठीक है, ये हवा इसके यदि हवा से मैच कर जाते हैं, इसके रेजोनेंस से मैच कर जाते हैं, तो इसके अंदर आयाम में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं साउंड रेजोनेंस। ठीक है, तो हमने मैकेनिकल रेजोनेंस यानी कि यांत्रिक अनुनाद भी देखा, मैकेनिकल रेजोनेंस, और क्या देखा, साउंड रेजोनेंस। ठीक है, ध्वनि अनुनाद। ठीक है, तो अनुनादक भी देखें, मैकेनिकल रेजोनेंस भी देखें और साउंड रेजोनेंस भी देखें। यहां से आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा होगा कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में दो अलग अलग वेव आ रही हैं, उनकी ये मान लीजिए नेचुरल है, ये फोर्स्ड है, प्रलोदित है ना, दोनों की आयाम जुड़ करके है ना, यदि एक गुना रहे, दो गुना रहे, तीन गुना रहे, तो मिल करके कई गुना वो उसका आयाम बना देता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया रेजोनेंस कहलाती है। ठीक है, यानी कि यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गुणज हो जाए, तब वस्तु के आयाम में बहुत अधिक वृद्धि हो जाता है जिससे हम लोग अनुनाद कहते हैं यानी रेजोनेंस कहते हैं ना। इसको समझ सकते हैं अनुनादक से, जो एक पाइप होता है बीच में हॉलो होता है, इसके अंदर भी हवा है, हवा है, और ये बाहर से भी आप हवा इसके अंदर प्रवेश कराते हैं ना, जब प्रवेश कराते हैं तो इसका आयाम, इसके आयाम से यदि आवृत्ति इसका मैच कर जाता है, तो इस दोनों के द्वारा मिल करके रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, अनुनाद हो जाता है, जिससे हमें बहुत ही तेज आवाज यहाँ पे सुनाई देता है। ठीक है, ये होता है आपका रेजोनेंस। इसके अलावा यांत्रिक अनुनाद में हमने बताया ही था, जो भी सैनिक द्वारा पुल पार करते समय है ना, तो इसमें लिख लेंगे सैनिक, सैनिकों द्वारा पुल पार करते समय कदम ताल ना कर, करने पर क्या हो जाएगा, पुल टूट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पुल की भी कुछ स्वाभाविक आवृत्ति है, दोनों आपस में मैच कर जाएंगे तो क्या होगा, पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्वनि अनुनाद में हमने बताया था आर्गन पाइप वाला। ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। नेक्स्ट, इसको मिटा देते हैं।
नेक्स्ट है क्यू गुणांक, यानी कि क्यू क्वालिटी फैक्टर। क्यू से क्या था, क्वालिटी है ना, क्यू गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो यह चेक करके बताता है कि कितना कंपन में संचित ऊर्जा था और कितना ऊर्जा उसका क्षय हो गया। क्या लिखेंगे, क्यू गुणा अवमंदित प्रणाली में दक्षता की माप है। ठीक, होता क्या है, क्यू बराबर टू पाई एक दोलन में संचित ऊर्जा बटे एक दोलन में क्षय ऊर्जा। संचित ऊर्जा मतलब जितना उसको ऊर्जा दिया जा रहा है और कितना वो ऊर्जा लॉस कर दे रहा है, ठीक है, उसी के बराबर होता है। नेक्स्ट ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसी में दूसरा टॉपिक था ध्वनिकी, ठीक है, अब हम लोग ध्वनिकी देखेंगे। एकॉस्टिक्स, ध्वनिकी क्या होता है, ध्वनिकी जैसे प्रकाश की होता है, प्रकाश का स्टडी है ना, वैसे ध्वनिकी क्या होता है, ध्वनि का स्टडी है ना, यानी कि ध्वनि का जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि। क्या लिखेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों जैसे क्या है, थिएटर, मॉल आदि में ध्वनि तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, ध्वनिकी कहलाता है, ठीक, एकॉस्टिक्स कहलाता है, ठीक। यानी कि कोई भी कमरा यदि हम लोग बना रहे हैं, ठीक, ये मान लीजिए कोई घर बना रहे हैं, इस घर को बनाने में है ना, किस
किन किन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं यहाँ पे आपको डोर बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे आप डोर बनाते हैं, यहाँ पे आप विंडो लगाते हैं है ना, और क्या करते हैं, डोर लगाते हैं, विंडो लगाते हैं, ये सब तो आप करते हैं। इसके अलावा बीच में क्या करते हैं, झूलर वो लगाते हैं, झूमर है ना ऐसे, और क्या करते हैं, यहाँ भी विंडोज पे पर्दा लगाते हैं ना, ये पर्दा लगाते हैं आप, कर्टेन है ना, और क्या करते हैं ऐसे डोर, यहाँ नीचे क्या करते हैं मैट बिछाते हैं है ना, ये नीचे मैट बिछाते हैं, और क्या करते हैं दीवार पे मैट लगाते हैं ना, ये मैट लगाते हैं, साड़ी किन किन किनारे कुछ भी ऐसा सीनरी वगैरह है ना। तो ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि आप ध्वनि को अध्ययन किए हैं है ना, कि कब ध्वनि ज्यादा स्पष्ट सुनाई दे रहा है ना। ऐसे थिएटर में भी है ना, यहाँ पे जब पर्दा लगा रहता है तो इसके बाद से कैसे सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे धीरे धीरे ऊंचा करते जाते हैं, चारों तरफ के साउंड वगैरह को किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि सभी व्यक्ति को, यहाँ पे जितनी सीटें हैं सभी व्यक्ति को एक अच्छा ध्वनि हमें सुनाई दे, ठीक है। इसीलिए इन सब घरों को बनाते समय जो ध्वनि का अध्ययन करके, उसके प्रभाव का अध्ययन करके, जिसमें हम लोग ये सारे भवनों को बनाते समय बातों को ध्यान में रखते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आता है, ध्वनि के अंतर्गत। तो बात करते हैं ध्वनि क्या होता है, ध्वनि यानी साउंड। ठीक है, तो ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जिससे कानों को कुछ सुनाई देता है, ठीक है। कोई भी चीज यदि हम सुन पा रहे हैं तो वो क्या है, वो ध्वनि है ना। हमारे श्रवण इंद्रियों द्वारा कोई भी यदि किसी प्रकार की यदि हमें कुछ ऐसी सुनाई देती है तरंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। यह एक क्या है, यह यांत्रिक तरंगों के रूप में यह यांत्रिक तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते, ठीक है। और मैकेनिकल में भी, यांत्रिक तरंगों में भी यह किस प्रकार का तरंग होता है, तो ध्वनि माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है। इस एक लाइन से आप लोग क्या क्या सीखे, ध्वनि माध्यम में अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना। यांत्रिक तरंगों में कौन सा तरंग, तो अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की खासियत क्या होती है, तो यह
जिस दिशा में कणों का गति होता है ना, माध्यम के कण जिस दिशा में गति करेंगे उसी ही दिशा में इन प्रकार के तरंगों की भी गति होती है। ठीक, तो बिना माध्यम के क्या ये गति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह खुद एक यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती है, उसी जगह पे रह जाएंगे ना। जैसे आप निर्वात में आप चिल्ला लीजिए ना, जब माध्यम नहीं मिलेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वॉइस आपकी नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमारे श्रवण इंद्रियों द्वारा कुछ भी सुनाई देता है। ठीक है, तो यानी कानों को जो कुछ भी सुनाई देता है सब क्या है? ध्वनि। ध्वनि किस प्रकार से चलता है? तो ध्वनि यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। यांत्रिक तरंगों में किस प्रकार का? तो ध्वनि माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव के रूप में चलता है। ध्वनि कितने प्रकार का होगा? तो क्या है ध्वनि के प्रकार? Types of sound. तो ध्वनि मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सामान्य बातचीत या सामान्य ध्वनि कहते हैं ना। दूसरा संगीतिक ध्वनि। तीसरा शोर। शोर यानी नॉइस। ये क्या है? म्यूजिकल साउंड। ये क्या है? नॉर्मल साउंड। ठीक, तो सामान्य ध्वनि क्या होगा? सामान्य ध्वनि में जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं उससे जो हमें ध्वनि सुनाई देती है उसे क्या हम लोग बोलेंगे? सामान्य ध्वनि। संगीतिक ध्वनि क्या होता है? तो एक लय में है ना, एक लय में यदि कोई ध्वनि हमें सुनाई देता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संगीतिक ध्वनि कहते हैं। शोर क्या होता है? तो जब ढेर सारी ध्वनियां एक साथ उत्पन्न होती हैं और हमारे श्रवण इंद्रियों को कुछ एक परफेक्ट कोई एक साउंड कोई एक ध्वनि नहीं स्पष्ट सुनाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, नॉइज कहते हैं। तो एक हो गया सामान्य और एक हो गया संगीतिक और एक हो गया शोर। ठीक है, तो तीन प्रकार की ध्वनियां होती है। अब देखते हैं हम लोग ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन तथा अवशोषण। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। तो हम लोग देखते हैं ना,
यदि ये साउंड हम लोग यहां से उत्पन्न कराएंगे तो क्या होगा, साउंड जब उत्पन्न होगा तो कुछ इसके अंदर भी प्रवेश करेगा, कुछ तो ऐसे बाहर निकल जाएगा है ना, और कुछ भाग इसी में रुक जाएगा है ना। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं और यहीं से कुछ क्या होगा, यहाँ पे परावर्तित भी होगा, यहां से कुछ इसका रिफ्लेक्शन भी होगा, ये ठीक है। तो जब कोई ध्वनि ये आपतित होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित ध्वनि, तो उसका कुछ भाग वापस से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है, परावर्तित ध्वनि, कुछ भाग क्या हो जाता है इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको बोलते हैं अवशोषित ध्वनि, क्या बोलते हैं, अवशोषित, और कुछ भाग उसको माध्यम को भेद करके दूसरे माध्यम में चला जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि में तीन प्रकार के परिघटनाएं देखी जाती हैं, कौन कौन सा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का अपवर्तन, और एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का अवशोषण, ठीक है। तो किसी भी माध्यम में जब ध्वनि यदि उसकी सतह पर टकराता है तो ध्वनि का कुछ भाग उस माध्यम की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे अवशोषित ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का कुछ भाग वापस पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, जिसे हम लोग परावर्तित ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि का कुछ भाग माध्यम को पार करके उस माध्यम में प्रवेश कर जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित ध्वनि, ठीक। तो तीन प्रकार के ध्वनियों का परिघटनाएं घटती है। मिटा देते हैं इसको, अब बात करते हैं हम लोग संगीतिक ध्वनियों के अभिलक्षण। जो हमने तीन प्रकार की ध्वनियां बताई हैं, उसमें एक प्रकार था संगीतिक ध्वनि, इसके अभिलक्षण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, आप लोग वायलिन सुने होंगे, गिटार सुने होंगे, ढोलक भी सुने होंगे, क्या तीनों सामान्य ध्वनि है, नहीं, तीनों है संगीतिक ध्वनि, है ना। लेकिन क्या इन तीनों ध्वनियों का एक ही प्रकार से हमें अनुभव होता है, नहीं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वायलिन, गिटार और ढोलक, बांसुरी, इन सभी ध्वनियों में अंतर करा देते हैं, है? सेम आयाम, सेम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का भी यदि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का, दो अलग अलग वाद्य यंत्रों का यदि हम ध्वनि है उसके बीच भी हम लोग अंतर कर सकते हैं, यदि हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके अभिलक्षण पता हो, ठीक। तो कितने प्रकार के अभिलक्षण हैं, तीन प्रकार के, कौन कौन से, प्रबलता, तारत्व
और गुणता, ठीक। प्रबलता को बोलते हैं लाउडनेस, और ये पिच, और ये उसका क्वालिटी। ठीक है, तो कोई पूछे संगीतिक ध्वनियों के क्या अभिलक्षण है, तो तीन प्रकार के अभिलक्षण है, कौन कौन से, तो प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता क्या है? लाउडनेस। लाउडनेस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, जो कानों को अधिक तेज या कम तेज सुनाई दे, है ना। तो प्रति ये जो कोई भी यदि साउंड उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, यदि कानों को अधिक तेज सुनाई दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा कि वो है प्रबल ध्वनि, यानी उसकी लाउडनेस ज्यादा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कानों को अधिक तेज या कम तेज सुनाई दे, है ना। तो प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके द्वारा ध्वनि हमारे कानों को अधिक तेज या कम तेज सुनाई देता है, प्रबलता कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि तेज यदि कोई आवाज निकाल रहा है तो प्रबल ध्वनि निकाल रहा है, धीरे आवाज निकाल रहा है तो यानी कि कैसा निकाल रहा है कि कम प्रबल ध्वनि निकाल रहा है। दूसरा पिच, पिच क्या होता है, तारत्व। तारत्व जितना ज्यादा होगा, ठीक है, ये पिच है, ये ऊपर वाला जो बोलते हैं ना, ये पिच है ना, यानी कि तारत्व है। तो जिसकी तारत्व ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी आवाज उतनी ही पतली होगी, यानी कि लड़कों की तारत्व क्या होगा, लड़कों का तारत्व ऐसा होगा, ये लड़कों का तारत्व है ना, ये किसी लड़का है यदि तो लड़का का है, और ये किसका होगा, एक लड़की का होगा ना। लड़के और लड़की की आवाज में अंतर आपको सुनाई देता है, लड़के का आवाज मोटा होता है ना, तो उसका तारत्व क्या होता है, कम होता है, लड़की का आवाज पतला होता है। देखो इसके ऊपर क्या है, एकदम नुकीला भाग है ना, हाई पिच वाला है, तो लो पिच वाला, ये लो पिच है, लो पिच यानी कि कम तारत्व वाला ध्वनि है, और ये क्या है, हाई पिच है यानी कि ज्यादा तारत्व वाला ध्वनि। तो यह क्या अंतर कराता है कि कोई आवाज कितना मोटा है और कितना पतला है। ठीक है, तो ध्वनि का वह अभिलक्षण जो किसी आवाज को मोटा या पतला होने के गुण को अंतर स्पष्ट कराता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, गंभीर या पतले ध्वनि में अंतर। ठीक है, ध्वनि का वह अभिलक्षण जो किसी गंभीर यानी कि भारी ध्वनि और या कोई इसको ग्रे बोलते हैं, इसको श्रील बोलते हैं, ठीक है, या कोई पतले ध्वनि में अंतर कराता है उसे हम लोग बोलते हैं तारत्व। ठीक, तीसरा गुणता। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, तो समान आयाम तथा समान आवृत्तियों की ध्वनि में अंतर कराता है। ठीक है, कि कैसे कराता है, तो जैसे क्वालिटी ऑफ टिम्बर है ना, कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र से यह ध्वनि निकला है, जैसे बांसुरी और ढोलक है ना, तो समान आवृत्ति का, समान आयाम का यदि बांसुरी से यदि आवाज निकल रहा है, समान आवृत्ति का यदि हारमोनियम से निकल रहा है, तो भी उसके बीच में कानों के सेंसेशन में यानी कि श्रवण इंद्रियों द्वारा अभिग्रहण करने में भी जो अंतर उत्पन्न होता है उसे हम लोग
गुणता यानी कि क्वालिटी ऑफ टिम्बर कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों ने जान लिया। इसमें मधुरता बराबर होता है संनादियों की संख्या। तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितना हार्मोनिक है ना, कितना उसमें ज्यादा संनादियों की संख्या है, उसी से ये अलग अलग ध्वनियों में अंतर कर लेता है। ठीक है, यही उसका गुणता का। हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि की प्रबलता एवं तीव्रता स्तर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी ध्वनि जितना अधिक प्रबल होगा उस ध्वनि की उतनी ही अधिक तीव्रता होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I। ठीक है, अब इसमें हम लोग यदि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जोड़ लेते हैं k, k log i। ठीक है, या l इज इक्वल टू k log बेस 10 i अपॉन i नॉट, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, प्रबलता का। ठीक है, तो ये क्या है, ध्वनि का प्रबलता। इसका मात्रक क्या होता है, तो बेल। इसका मात्रक बेल, लेकिन बेल को भी यदि 10 भागों में तोड़ दे तो क्या मिलता है हमको, डेसीबल। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है डेसीबल, ज्यादा चर्चित यही है। ठीक है, डेसीबल है ना। क्या है, एल बराबर 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, अब ज्यादा डेसिबल का साउंड होगा तो हमारे कानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, कम डेसिबल का साउंड होगा तो हमारे कानों को कम नुकसान पहुंचाएगा। इसी के आधार पे हम किसी भी ध्वनि को बता सकते हैं कि हम उसे सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो सामान्य हम लोग कितना सुनते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, तो इन सब को हम लोग बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। यदि 20 हर्ट्ज से कम का यदि ध्वनि है उसे हम लोग भी नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 से अधिक का है उसको भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। जो कम होता है इसको बोलते हैं अवश्रव्य। ठीक है, और जो अधिक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराश्रव्य। ठीक है, तो ध्वनि भी तीन प्रकार का होगा, जितने हम लोग सुन पाएंगे वो सब श्रव्य ध्वनियां हैं, जो नहीं सुन पाएंगे यदि 20 हर्ट्ज से कम उसका होगा तो उसे बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पराश्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, प्रतिध्वनि। वर्ड सुने होंगे सब लोग, प्रतिध्वनि इको। क्या होता है इको बताइए,
तो यदि हम लोग कोई भी यहाँ से आवाज निकाले, ठीक है, ये मान लीजिए लाउड स्पीकर है, इससे आवाज निकाला, ठीक, एक दीवार दीवार से टकरा के फिर वापस से हमें ध्वनि सुनाई दे, है ना, ये दीवार से टकराया और फिर ये क्या हुआ, चलते हुए वापस आया, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने सुना, यदि उसे ये सुनाई दे दिया, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, प्रतिध्वनि, ठीक है। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी आता है, ये कितना होता है, 16.5 मीटर होता है। कहने का क्या अर्थ है, यदि ध्वनि स्रोत से माध्यम जहां से टकरा रहा है, माध्यम के सतह के बीच की दूरी यदि 16.5 मीटर से कम हो जाए तो हमें वापस से प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगा, और यदि 16.5 मीटर तक है या उससे अधिक है तो हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगा, ठीक है। तो प्रतिध्वनि है क्या, तो जब कोई ध्वनि किसी परावर्तक तल से टकरा करके वापस से श्रोता को सुनाई दे, उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। और स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी, 16.5 मीटर होगी, ठीक है, इतना। नेक्स्ट है ध्वनि का अवशोषण। तो ध्वनि की हम लोग क्यों पढ़े हैं, ध्वनि की हम लोग पढ़े हैं ताकि बिल्डिंग या किसी भी थिएटर या सिनेमा हॉल या किसी प्रकार के ऐसे सार्वजनिक भवनों का निर्माण कर सके जिससे हमें स्पष्ट सुनाई दे, है ना, कोई व्याख्यान कक्षा लेक्चर रूम है उसकी डिजाइनिंग किस प्रकार करें कि हमें स्पष्ट सुनाई दे, है ना, ये प्रतिध्वनि वगैरह कम हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि का अवशोषण। ध्वनि का अवशोषण करने के लिए हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो जैसे कमरे में हम लोग मैट बिछा देते हैं ना, और क्या करते हैं, दीवारों पे नक्शा लगा देते हैं, और क्या करते हैं, ओपन विंडो पे कर्टन लगा देते हैं, दरवाजे पे कर्टन लगा देते हैं, और विभिन्न प्रकार के सजावटी चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे उल्टे गमले टांग देते हैं, घड़े टांग देते हैं, है ना, इन प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करके हम लोग ध्वनि का अवशोषण करते हैं, जिससे हमें किसी कक्ष के अंदर, व्याख्यान कक्ष या थिएटर के अंदर स्पष्ट ध्वनि सुनाई दे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि का अवशोषण करते हैं। तो अवशोषण गुणांक एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर तल द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा बटे तल पर आपतित ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। इसी से हम लोग निकाल लेते हैं कितना उसका तल का अवशोषण गुणांक है, जैसे ओपन विंडो का कितना होता है, 100 ओडब्ल्यू, ठीक है, यानी कि यदि खिड़की खोल दिया जाए तो क्या होगा, पूरा पूरा ध्वनि आपका अवशोषित कर लेगा, सब बाहर चला जाएगा, कमरे में नहीं रह जाएगा। तो कितना वो ध्वनि अवशोषित कर रहा है बटे कितना उस पर कुल ध्वनि आपतित हो रहा है, उसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं अवशोषण का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनुरणन के बारे में, ठीक है। अनुरणन क्या होता है बताइए, तो इको यानी प्रतिध्वनि और अनुरणन में बेसिक सा डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। प्रतिध्वनि में क्या होता है, एक साउंड जाता है और टकरा के स्पष्ट हमको सुनाई देता है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं
बोलने के कुछ सेकंड तक यदि मेरे ध्वनि में ठहराव है कमरे में, यदि बोल के चुप हो गया उसके कुछ सेकंड तक भी यदि ध्वनि अभी भी सुनाई दे रहा है, उसी ध्वनि के ठहराव को क्या बोलते हैं? अनुरणन यानी रिवर्बरेशन। ठीक है, यानी कि आप कभी बोल करके चेक करिएगा, यदि 16.5 मीटर तक कोई माध्यम रहा तो टकरा के आपको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगा, उससे कम हुआ तो आपकी आवाज गूंजेगी। ठीक है, गूंज होगा, इसी गूंज को साइंटिफिक टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? अनुरणन बोलते हैं। यानी कि अनुरणन मतलब क्या होता है? ध्वनि का ठहराव। ठीक, ध्वनि का ठहराव कब? तो जब ध्वनि का स्रोत बंद हो जाए। ठीक है, तो ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने पर भी ध्वनि का कुछ समय तक ठहराव ही अनुरणन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए अनुरणन काल हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, अनुरणन काल रिवर्बरेशन टाइम निकालते हैं 1/10^6। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी 10,00,000वें हिस्से तक, ठीक है, किसी भी ध्वनि का, ठीक है, किसी भी ध्वनि का 10,00,000वां हिस्सा यानी 1/10^6 तक उसकी तीव्रता कम होने में जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुरणन काल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, सेवाइन का सूत्र। ठीक है, सेवाइन ने विभिन्न प्रकार के थिएटरों तथा भवनों आदि का अध्ययन करके एक फॉर्मूला दिया जिसे हम लोग बोलते हैं सेवाइन फॉर्मूला। सेवाइन फॉर्मूला अनुरणन काल निकालने का एक मेथड है जो निकालता है t=0.165 V/A। ठीक, यदि किसी भी कोई भी ऐसा थिएटर है या भवन है जिसका V क्या है? आयतन है, और A क्या है? एब्जॉर्प्शन है ना, यानी कि कई सारे यदि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन वाले मटेरियल लगे हैं, अलग अलग अवशोषित कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 0.165 × आयतन/ यदि कुल अवशोषित अवशोषण का भाग देते हैं तो हमें मिलता है अनुरणन का। ठीक है, तो थियरी पोर्शन में हमने इतना कवर किया। ठीक है, इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो अनुरणन को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो जैसे सारे बताए हैं, ओपन विंडो का प्रयोग करेंगे, है ना, ओपन विंडो का, और क्या करेंगे? फर्श पे मैट का, है ना, मैट का प्रयोग करेंगे, और क्या करेंगे? नक्शे का प्रयोग करेंगे, दीवारों पर नक्शे का प्रयोग करेंगे, उल्टे घड़े का प्रयोग करेंगे, है ना। ये क्या है? अनुरणन को नियंत्रित करने के साधन है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का थियरी पोर्शन में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी तक हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में हमने क्या क्या जाना? तो हमने सबसे पहले हमने ध्वनि जाना, ध्वनि के प्रकार जाना, ठीक है, ध्वनि के प्रॉपर्टीज यानी अभिलक्षण जाने, किस प्रकार की ध्वनि होती है, कितने प्रकार की ध्वनि होती है, उनके बीच कैसे विभेद कर सकते हैं। फिर हमने गूंज जाना यानी अनुरणन जाना, प्रतिध्वनि जाना, ठीक है, और अभी हमने सेवाइन फॉर्मूला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, t=0.165 V/A। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, बाकी इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।